हेलो माय फ्रेंड्स, कैसा काय, मैं हूं आपका रफ़ी सर। और आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं उसको कैसे याद रखेंगे, वो किस किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकते हैं उसको कैसे याद रखेंगे, और उस रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा उसको कैसे याद रखेंगे, डैट मीन्स तीनों को कैसे याद रखेंगे, उसको मैंने एक अपने बहुत ही सिंपल ट्रिक से कनेक्ट किया है। और ये ट्रिक बनाने में मुझे काफ़ी टाइम भी लगा क्योंकि तीनों को एक ही में कनेक्ट करना था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनिक के रिड्यूसिंग एजेंट में। पहला ट्रिक है ट्रिक नंबर 1, और डेट इज़ फॉर रेड फॉस्फोरस एंड HI। ये इसको मैं डॉन रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलता हूँ क्योंकि ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। तो इसलिए रेड फास्फोरस और HI वाले रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे याद रखेंगे, इससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा उसको कैसे याद रखेंगे, और किस किस फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस कर सकता है उसको कैसे याद रखेंगे, उसके लिए मैंने एक सिंपल सा अपना ट्रिक लगाया है कि देखो HI हाइड्रोजन आयोडाइड, तो उससे मैंने बनाया हाई हेलो जो करते हैं, तो हाई वर्ड बनाया हाई। तुम मुझे खून दो, खून से मैंने क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर रेड फास्फोरस यूज करना होता है। आपको एरो पे लिखा होगा किस टाइप से, आपको लिख देगा रेड PHI, इतना लिख देगा, तो ये देखते ही आपको याद आ जाएगा कि HI मतलब हाई और रेड मतलब तुम मुझे खून दो, ब्लड रेड कलर का होता है, खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये एक अपना स्लोगन भी था, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी का क्या मतलब है यहाँ पे कि आज़ाद हो गया, डैट मीन्स सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है, डैट मीन्स आपको एल्केन बनाना है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, एल्केन। रिएजेंट क्या रहेगा, रेड फास्फोरस एंड HI, और रिएक्टेंट क्या रहेंगे आपके, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसमें हो सकते हैं। नाउ इसको ही ऐसे भी हमने कनेक्ट किया है, ये भी मेरा एक स्लोगन है कि हाई हाई बोल करके आपको बोलना है, हाई जो हमसे टकराएगा, क्योंकि रेड फास्फोरस यू नो रॉक में मिलते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए वो कठोर होता है, उससे हमने बनाया कि हाई मतलब HI, जो हमसे टकराएगा, रॉक से जो भी टकराएगा सिंगल होके जाएगा। सिंगल मीन्स व्हाट, यू नो एल्केन में सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, कोई पाई बॉन्ड कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, तो इसलिए उसी से मैंने कनेक्ट किया कि जो हाई जो हमसे टकराएगा सिंगल होके जाएगा। नाउ करना क्या है, ये तो हमारे स्लोगन हो गए जिससे आप इजीली याद रख सकते हो, आइदर हाई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या फिर हाई जो हमसे टकराएगा सिंगल होके जाएगा, एक दो बार आप बोलोगे, ये बहुत ही फनी स्लोगन भी है, आपको इजीली याद भी हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि करना क्या है, तो आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड जो कि कार्बन से बनोगे, विथ कार्बन, ध्यान देंगे विथ कार्बन, कार्बन से जो भी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड बने होंगे उसको रिप्लेस कर देना है बाय इक्वल हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कहीं पे कार्बन के साथ OH है, तो आप कार्बन और ऑक्सीजन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको भी H देना है और इसको भी H देना और ब्रेक कर देना है, तो इधर इसको H मिल जाएगा और उसको भी H मिल जाएगा, ऐसा हमें करना है। तो ये मेरे ट्रिक का पॉइंट है। अब मैं इसके एप्लीकेशन की बात करता हूँ। नाउ अब मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन के बारे में। तो रेड फॉस्फोरस और HI से आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा जो कि एक्चुअल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल ट्रिक दे रहा हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन ये दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव बॉन्ड हो गए, ध्यान रहे कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होता है, तो उसको डिफरेंट नहीं मानना है। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट अटैच होंगे वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे। यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, तो इधर एक H रखना है और एक H इधर रखना और ब्रेक कर देना है। तो आपको क्या मिल गया, मेजर प्रोडक्ट में CH3, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन था और एक और आ गया, तो क्या हो गया CH3, तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। दूसरा वाटर बना, बाय प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है, उसको भी मैं बाद में बताता हूँ। अगर मैं इस केस में देखूँ तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव ये वाले हैं और ये वाले दो है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक है चीज को, एक है चीज को, फिर इस बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एक है चीज को, एक है चीज को, दोनों को हाइड्रोजन ही देना है। तो आप ध्यान से देखो, तो ये ब्रेक हो जाएगा तो आपको क्या मिलने वाला है,
CH3, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन था, दो हाइड्रोजन और आ गया, तो आपको क्या कर देना CH3, उधर वो वाटर हो गया, उसके बारे में नहीं सोचना है। सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करूँ तो यहाँ पे भी दो बॉन्ड हैं, तो इस बॉन्ड के लिए H H और इस बॉन्ड के लिए फिर H एंड H, और ये ब्रेक कर देना है। तो आप ध्यान से देखो आपको क्या मिला, CH3 था पहले से, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन आ गया है, तो दो हाइड्रोजन कर दिया, और ये कार्बन पे तीन हाइड्रोजन पहले से थे ये कर दिया। सिमिलरली इस केस में देखें तो ये भी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी हैं और ये भी है, यहाँ पे तीन बॉन्ड हैं, तो इस बॉन्ड के लिए हैच हैच देना है, इस बॉन्ड के लिए हैच हैच देना है, इस बॉन्ड के लिए हैच हैच देना है, और ब्रेक कर देना है। ध्यान से देखो क्या मिलेगा, CH3, इस कार्बन के पास अब कितने हो गए हाइड्रोजन, ध्यान से देखो, तो इसका हैच, इसका हैच और इसका हैच, तो क्या मिल जाएगा, तीन हैच, तो CH3। सिमिलरली अगर इसमें देखें तो ये कोई भी हैलोजन है, एक्स मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकते हैं, तो इसको भी हैच देना है, इसको भी हैच, यहाँ पे ये बॉन्ड के लिए ये हैच, फिर इस बॉन्ड के लिए हैच एंड हैच, और इसको ब्रेक कर देना है। तो फिर ध्यान से देखो CH3, इस कारण के पास तीन हैच आ गए, तो CH3। बाकी का जो दूसरा प्रोडक्ट क्या बना उसके बारे में अभी आपको नहीं सोचना है, मेन प्रोडक्ट क्या होगा वो आपका बन करके तैयार है सिंपल मेरे ट्रिक से। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप ध्यान से देखो, ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको हैच, इसको हैच, यहाँ पे इस बॉन्ड के लिए हैच हैच और इस बॉन्ड के लिए हैच हैच एंड ब्रेक कर दो, तो आपको फिर से क्या मिलने वाला है, CH3, और इस कार्बन को तीन हाइड्रोजन होंगे तो CH3। यहाँ पे ये अगेन ये तीनों ब्रेक होंगे और इधर से भी ये तीनों ब्रेक होंगे, तो इसको हैच हैच आपको देना है, इसकी वजह से हैच और हैच आएगा और इसकी वजह से हैच एंड हैच आएंगे, और सेम इस केस में भी होगा, तो आप देख सकते हो दो मॉलिक्यूल आपको CH3 CH3, और ध्यान से देखो तो सम में प्रोडक्ट क्या आपका एल्केन, इसीलिए मैंने दो वर्ड यूज किया था आज़ादी, आज़ादी क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन क्या है पॉसिबल है, इजीली मॉलिक्यूल रोटेट हो सकता है, और जो हमसे टकराएगा सिंगल होके जाएगा, सिंगल का क्या मतलब था वही कि सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे इसमें, डैट मीन्स आपको एल्केन बनाना है। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो तो तीन बॉन्ड है, तो तीन बार हैच हैच करना पड़ेगा आपको, तो आप ध्यान से देख सकते हो क्या मिल जाएगा CH3 CH3। दूसरा बाय प्रोडक्ट NH3 होता, उसके बारे में नहीं सोचना, यहाँ पे ये और ये, तो इसको भी हैच देना है और इसको भी हैच, या इधर से करेंगे तो इसको हैच एंड इसको हैच, तो आपको दो मॉलिक्यूल क्या मिल जाएगा CH4। इस केस में इसको भी हैच, इसको भी हैच, तो आपको क्या मिल जाएगा CH3 CH3। तो आप ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसमें कि जितना भी डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव बॉन्ड दिख रहा है, एक सिंगल बॉन्ड है तो हैच हैच, दो हैं तो दो बार हैच हैच, तीन होंगे तो तीन, उसको दे करके ब्रेक कर दो, आपका मेजर प्रोडक्ट और डैट विल बी ऑलवेज योर प्रोडक्ट विल बी एल्केन। कुछ एग्जांपल और मैंने लिए हैं इस टाइप के भी आपको दे सकता है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1, तो अगर आप ध्यान से देखो रेड फॉस्फोरस HI, तो हाई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या हाई जो हमसे टकराएगा सिंगल होके जाएगा, तो आपको अभी बताया कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड बना हुआ है, दो डिफरेंट है, तो इसको हैच, इसको हैच, ये एक और बॉन्ड है तो हैच एंड हैच, और ये बॉन्ड ब्रेक कर देना है। सिमिलरली ये कार्बन से ये हैच एंड हैच, ये हैच एंड हैच, यहाँ पे भी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हैच एंड हैच, और ये सबको ब्रेक कर देना है। यहाँ पे भी कार्बन से डिफरेंट है, तो इसको हैच एंड इसको हैच, इसको ब्रेक कर देना। तो देखो आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार है, आपके पास ये 6 कार्बन की रिंग थी, और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, दो हाइड्रोजन, तो जो कि हम दिखाते नहीं हैं, आपको दिखाना हो तो दिखा सकते हो ऐसे, दो हाइड्रोजन, इधर में भी ये हाइड्रोजन ही इसके पास बच गया, ओके, इधर में ये कार्बन है और इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है, ये आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया। यू नो बाय द वे यहाँ पे भी ऑलरेडी पहले से दो दो हाइड्रोजन थे और एक पहले से था यहाँ पे, तो ये सब दिखाने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन हम जनरली दिखाते नहीं हैं, तो ये प्रोडक्ट आपका बन करके तैयार हो गया। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाओगे तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे हैच एंड हैच आएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हैच एंड हैच आएंगे, यहाँ पे दो होगा तो हैच हैच एंड हैच हैच, यहाँ पे भी दो हैं तो हैच हैच एंड
एच एच, यहाँ पे इसको ओपन करके लिखोगे तो एक्चुअली में ये कैसा होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो ये ब्रेक करना और ये ब्रेक करना, तीन तो तीन हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी तीन हाइड्रोजन आएंगे, तो डायरेक्ट योर प्रोडक्ट विल बी अगेन सिक्स कार्बन से बना हुआ एक रिंग हो गया आपका। और यहाँ पे हेच 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 ही हो रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे कार्बन कार्बन है, तो इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे भी तीन हाइड्रोजन है, बाकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर यहाँ पे पूछा जाए तो फिर से वही चीज़ ध्यान देना है कि ये ब्रेक होगा तो हेच 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 और हेच, ये ब्रेक होगा तो अगेन हेच हेच, दो बॉन्ड है इसलिए दो बार हेच दे रहे हैं। तो ध्यान से देखो तो ये वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन था ही और दो हाइड्रोजन आ गए हैं, और उसके बाद ये कार्बन, फिर उसके बाद ये कार्बन, इस कार्बन पे ऑलरेडी पहले से दो हाइड्रोजन थे, चार बॉन्ड की वजह से इस कार्बन पे भी दो हाइड्रोजन आपके आ गए हैं और ये कार्बन पे पहले से तीन हाइड्रोजन होंगे, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। तो ये आपका बन करके तैयार हो गया। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते थे, वन टू थ्री फोर कार्बन की चैन बना देते। नाउ अब जाते जाते मैं ज्ञान की बात करना चाहूँगा, और ये जो ज्ञान की बात है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान से समझें आप कि मैंने CH3CH2OH लिया, HI एंड रेड फॉस्फोरस लिया है। तो जो आपको ट्रिक बताया है कि ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो इसको हेच देना है और इसको हेच देना और ये बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो ध्यान दो, ये दो हेच आएगा कहाँ से, हेच आपको मिल कहाँ से रहा है, HI से, और दो हेच लेने का मतलब मुझे इसके कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, दो। तो इससे क्या बन गया प्रोडक्ट, ध्यान से देखो, CH3 और ये C, इस पे दो हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन आ गया तो CH3। उसके बाद बाय प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें तो हमें क्या मिल गया, वाटर H2O। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो दो हाइड्रोजन तो यूज कर लिए, दो आयोडीन का क्या हो गया होगा, I2। तो ये पूरा एक आपको फुल रिएक्शन मैंने दिखाया कि आपको कैसे करना है। जनरली एग्जाम में प्रोडक्ट क्या होता है यही पूछा जाता है, इसलिए मैंने पहले उसको समझाया। और अगर सारे प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको आइडिया लगाना हो तो इस तरीके से बनाना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इसका क्या काम है। तो ये रेड फास्फोरस जो आपका है, रेड फास्फोरस, वो आपका ये जो आयोडीन बना है इससे रिएक्ट कर जाता है और इट विल गिव यू Pi3, ये बना लेगा, और हो सकता है तो वो Pi5 भी बना ले, बट जनरली Pi3 बनाएगा। नाउ ये जो वाटर आपका बना, ये फिर इससे रिएक्ट कर जाएगा, और ये हमने आपको हाइड्रोलिसिस में ट्रिक दे रखा है। तो यहाँ से हाइड्रोजन किसको मिलेगा, आयोडीन को, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को, और OH किसको मिलेगा, फॉस्फोरस को। तो आपका बन जाएगा H3PO3 और HI आपको फिर से रीजनरेट हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम कंसेप्ट से फिर से HI बन जा रहा है। रिएक्टेंट में अगर मोल्स बढ़ रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ चले जाएंगे, फॉरवर्ड में। तो इसीलिए ये रेड फॉस्फोरस का काम क्या हो रहा है कि जो रिएक्शन में I2 बन रहा है आपका, उसको पहले तो वो कंज्यूम कर रहा है। इस वजह से भी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट कम हो रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। इस I2 से रिएक्ट करके Pi3 बनाया, और जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है उसको भी कम कर रहा है, फिर से रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाती है, और इस वाटर से फिर से HI प्रोड्यूस कर रहा है जो कि वन ऑफ द रिएक्टेंट है आपका या एजेंट है आपका। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में अगर मोल्स बढ़ रहे हैं तो फिर से रिएक्शन कहाँ चले जाएंगे, फॉरवर्ड में। इसीलिए इसको मैं डॉन रिएजेंट बोलता हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन को पूरा फॉरवर्ड में ले जाता है। तो ये आपको इस ज्ञान की बात में ये समझ में आया कि रेड फास्फोरस का क्या यूज है, रिएक्शन कैसे होती है और कैसे ट्रिक से करना है। नाउ ज्ञान की बात नंबर टू में कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कितने मोल्स HI रिक्वायर्ड होंगे। तो ये भी मेरे ट्रिक से इजीली हो जाएगा। अभी आपने देखा, ये भी मेरे ट्रिक से इजीली हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर इसको मुझे ब्रेक करना हो तो इसको हेच और इसको हेच, तो ये सिंगल COH बॉन्ड को हटाने के लिए मुझे दो मोल्स HI के यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि एक HI से, यू नो, वन HI से आपको एक ही हाइड्रोजन मिलने वाला है। तो अगर मैं दो HI लूँ तो मुझे दो हाइड्रोजन मिलेंगे नेसेंट, तो इसलिए इसको भी हेच देना, इसको भी हेच, तो यहाँ पे दो मोल्स। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये ब्रेक करने के लिए हेच हेच एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हेच हेच। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसको ब्रेक करने के लिए हेच हेच दो मॉलिक्यूल, यहाँ पे ब्रेक करने के लिए हेच हेच और हेच हेच।
तो आप देख सकते हो दो हाइड्रोजन के लिए हमें दो मॉलिक्यूल चाहिए होगा, तो टोटल यहाँ पे 2 + 2 + 2 टोटल 6 HI रिक्वायर्ड हो जाएंगे, यहाँ पे 4 HI रिक्वायर्ड हो जाएंगे और यहाँ पे 2, तो योर आंसर विल बी हाउ मच 12। तो मैं यहाँ पे क्लियरली लिख रहा हूँ कि अगर आपको सिंगल OH को ब्रेक करना है सिंगल बॉन्ड को, तो दो आपको HI रिक्वायर्ड होंगे। C डबल बॉन्ड O को ब्रेक करना है तो आपको 4 रिक्वायर्ड होंगे, और रटना नहीं है समझते हुए, एक है तो दो, दो हैं तो 4, यहाँ पे टोटल 3 थे तो 6, इस टाइप का कोई भी होगा, C डबल बॉन्ड हो, OH हो जाए, हैलोजन हो जाए, NH2 हो जाए, कोई भी हो जाए, तो इन सब में आपको 6 रिक्वायर्ड होंगे, जो कि सिंपल मेरे ट्रिक से है। तो आज मैं बात करता हूँ क्लीमेंसन रिडक्शन के बारे में, ये नेम भी कभी कभी पूछा जाता है तो ध्यान रखना है। क्लीमेंसन रिडक्शन में जो आपका सबस्ट्रेट है, डैट मीन्स जो रिएक्टेंट है, वो आइदर इट विल बी अल्डिहाइड और कीटोन, यू नो सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप होंगे तो उसको अल्डिहाइड बोलते हैं, एंड सी डबल बॉन्ड O के दोनों साइड कार्बन होंगे तो उसको कीटोन बोलते हैं। तो अल्डिहाइड या कीटोन आपका रिएक्टेंट होगा। रिएजेंट जो आपको यूज करना है वो ZnHg, दैट इज ऑल्सो नोन एज अमलगम, अमलगम बोलेंगे इसको, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे दैट इज योर एल्केन। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप इस सबस्ट्रेट को, इस रिएजेंट को और इस प्रोडक्ट को कैसे याद रखोगे, तो उसके लिए मैंने सिंपल सा एक स्लोगन बनाया मेरा, और ये स्लोगन बहुत ही ईजी है याद रखना, एक दो बार चलते फिरते भी आप बोलते रहोगे तो ये स्लोगन याद हो जाएगा। एंड स्लोगन इज जहाँ होगी कल्लो, ZN से मैंने बना लिया जहाँ, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आपको समझ में आए, ZN से जहाँ, HG से होगी, CL को मैंने प्यार से बोला है कल्लो, तो जहाँ होगी कल्लो, तो मुझे क्या याद हो गया इससे, रिएजेंट याद हो गया इस वर्ड से, जहाँ होगी कल्लो। अल्डिहाइड कीटोन दोनों में अगर ध्यान से देखो तो सी डबल बॉन्ड ओ आएगा, तो उससे मैंने बना लिया को, अल्डिहाइड कीटोन को, तो हमें सबस्ट्रेट डैट मीन्स रिएक्टेंट याद हो गया कि ये किसको क्या करेंगे, तो अल्डिहाइड कीटोन को करेगी CR से, क्लीमेंसन रिडक्शन का शॉर्ट फॉर्म CR, तो उससे करेगी हेलो सिंगल। तो जहाँ होगी कल्लो अल्डिहाइड कीटोन को करेगी हेलो सिंगल, सिंगल मीन्स यू नो एल्केन बन जाएगा, और एल्केन में यू नो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता, सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये तो मेरा स्लोगन हो गया, जहाँ होगी कल्लो अल्डिहाइड कीटोन को करेगी हेलो सिंगल, ये आप दो चार मरतबा चलते फिरते भी बोलते रहोगे तो याद हो जाएगा। इसमें आपका रिएजेंट आ चुका है, इसमें आपका सबस्ट्रेट आ चुका है, इसमें आपका नेम आ चुका है, कभी कभी ZnHgHCl इज नोन एज, चार ऑप्शन दे देगा, तो क्लीमेंसन रिडक्शन, एंड इसमें आपका प्रोडक्ट भी आ चुका है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इस स्लोगन में सब आ चुका है, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट एंड नेम ऑफ दैट रिएजेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि करना क्या है, तो जो भी अल्डिहाइड या कीटोन के डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसको रिप्लेस कर देना आपको दो हाइड्रोजन से, जिसको मैंने यहाँ दिखाया है, क्योंकि आइदर अल्डिहाइड हो या कीटोन हो उसमें सी डबल बॉन्ड ओ होगा जिसको कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं, तो वो डबल बॉन्ड ओ को हटा देना है और आपको दो हाइड्रोजन उस दो बॉन्ड की जगह लगा देना है, ये करना है। नाउ अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो ध्यान से देखिए, मैंने ये क्या ले लिया अल्डिहाइड, तो जहाँ होगी कल्लो अल्डिहाइड कीटोन को करेगी हेलो, तो हमने क्या ट्रिक दिया है कि ये जो डबल बॉन्ड है ओ है उसको आपको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देना है, तो बाकी चीज़ को छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे वैसे लिख दिया, ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन था वो डबल बॉन्ड ओ की वजह से दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, ये आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। नाउ अगेन जहाँ होगी कर लो अल्डिहाइड कीटोन को, तो बाकी चीज़ को छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन ले आना है, करेगी हेलो सिंगल, दैट मीन्स एल्केन बन गया। तो क्लीमेंसन रिडक्शन से आप अल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बना सकते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन ऑल्सो। अगेन अल्डिहाइड है तो जहाँ होगी कर लो अल्डिहाइड कीटोन को, तो बाकी चीज़ को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रह देना है, इस पे एक हाइड्रोजन था
इस दो डबल बॉन्ड की वजह से दो हाइड्रोजन और ले आएंगे, तो ये बन जाएगा आपका मिथाइल बेंजीन। यहाँ पे भी अगेन सेम पॉइंट, तो आपको बाकी चीज़ों को टच नहीं करना है। ये कार्बन था, इस पर दो हाइड्रोजन आ जाएंगे और इससे CH3 लगा हुआ था, उसको लगा दो, तो ये बन जाएगा आपका इथाइल बेंजीन। नाउ अगेन यहाँ पे अल्डिहाइड ध्यान दे, NO2 ग्रुप को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन को ही ये आपका अटैक करेगा, तो बाकी चीज़ों को आपको वैसे ही रहने देना है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, दो हाइड्रोजन और आ गए और ये ग्रुप एज इट इज रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होने वाला है, ये आपका चला जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये डबल बॉन्ड। यहाँ पे आप चाहो तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर आपको दिखाना हो तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे आपके। सिमिलरली यहाँ पे एसिड हैलाइड है, इसको कुछ भी नहीं करेगा, ये सिर्फ ब्रेक होंगे, तो आप इसको वैसे ही रखेंगे सी डबल बॉन्ड CL से। उसके बाद 1, 2, 3, 4 कार्बन है, तो 2, 1, 2, 3, 4 कार्बन आपका। और यहाँ पे अगर आप दिखाना चाहो तो दो हाइड्रोजन आ गया, वैसे वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे वो एसिड को कुछ भी नहीं करेगा आपका, सिर्फ ये जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4 पे है वो, तो ये सी डबल बॉन्ड OH ऐसे रह जाएगा और ये दो हाइड्रोजन आप चाहो तो दिखा सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरे ट्रिक से कितना ईजी है, जहाँ पे भी आपको जहाँ होगी कल्लो दिखे, अल्डिहाइड कीटोन को ही सिर्फ आपको एल्केन में कन्वर्ट कर देना है, बाकी ग्रुप को एज इट इज छोड़ देना है। नाउ जाते जाते एक छोटा सा आप ज्ञान लेते हुए जाएं, तो ज्ञान की बात में ये है कि अगर मैंने ये रिएक्टेंट लिया और ZnHgHCl लिया, तो आप अगर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रोडक्ट कि आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड की जगह दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, और आप अगर ऐसा चारों की OH बचा रहेगा, तो ये बनना मुश्किल है, क्योंकि आपने HCl भी ले रखा है जो कि मेनली H+ देगा, एसिड है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है जो इस पर अटैक करके वाटर को बाहर कर सकता है। तो एक्चुअल में हो आपको जो प्रोडक्ट मिलता वो कैसा टाइप का मिलता, वहाँ से वाटर निकल जाता और Cl वहाँ पे लग सकता था, तो यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन आते और Cl, ये प्रोडक्ट आपको मिलता। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप यही अगर चाहते हो तो फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो इसीलिए हम ऐसा यहाँ पे बोलेंगे कि अगर कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगे हुए हों, क्योंकि ये जो आपने क्लीमेंसन रिडक्शन में जो रिएजेंट लिया है वो एसिड है उसमें HCl, तो कोई अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप मतलब आपके रिएक्टेंट में कोई बेसिक ग्रुप है अगर जो लोन पेयर दे सकता हो या इस एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता हो, तो आपको फिर ये यूज करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो तो एक्चुअल में यहाँ से यहाँ ना जा कर के ये चीज़ें यहाँ से यहाँ आ जाएंगी। तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप अगर आपके पास है तो CR डैट मीन्स क्लीमेंसन रिडक्शन को यूज करना या ZnHgHCl को यूज करना यूजफुल नहीं है। तो ये इस बात को ध्यान देंगे कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो ZnHgHCl यूज करना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो वो उसको भी हटा करके OH को हटा करके Cl आ जाएगा एक्चुअल में प्रोडक्ट। हाँ अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ चाहिए तो आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, उसके लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, डैट इज वुल्फ किशनर रिडक्शन। तो वुल्फ किशनर रिडक्शन में अगेन आपके रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट क्या होंगे, रिएजेंट क्या होंगे एंड प्रोडक्ट क्या होंगे, उसको पहले मैंने दिखाया है कि आपका जो सबस्ट्रेट होगा अगेन अल्डिहाइड या कीटोन होगा, अल्डिहाइड मतलब सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप होना चाहिए एंड कीटोन मतलब सी डबल बॉन्ड OH के दोनों साइड कार्बन होना चाहिए। तो अल्डिहाइड या कीटोन आपका रिएक्टेंट होगा, रिएजेंट जो लेना आपको वो NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम लेना है, डैट मीन्स OH- एंड प्रोडक्ट अगेन यू विल गेट एल्केन, डैट इज सिंगल बॉन्डेड वाले
जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो आपको मिलेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस रिएक्टेंट को, इस रिएजेंट को, इस प्रोडक्ट को कैसे आप याद रखेंगे। उसके लिए हमने सिंपल एक स्लोगन आपको दिया है जो अगेन चलते फिरते आप रहेंगे और दो चार मरतबा बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एंड मैंने कैसे उसको कनेक्ट किया, ध्यान से देखो, NH2 से मैंने बनाया नहीं नहीं, NH से नहीं नहीं, वुल्फ किशनर, तो वुल्फ वो साइंटिस्ट के नेम थे जिन्होंने ये बताया था, तो नहीं नहीं वुल्फ ने कृष्णा, वुल्फ किशनर से हमने बना लिया, वुल्फ ने कृष्णा को, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ का प्रेजेंस होना मस्ट है, तो सी डबल बॉन्ड ओ को बोला, मतलब बेस, बेसिक मीडियम, तो बी फॉर बेस, बी फॉर बोला, तो नहीं नहीं वुल्फ ने कृष्णा को बोला, क्या बोला भाई, अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन होगा अकेला, अकेला मतलब सिंगल, सिंगल मतलब अगेन एल्केन, क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है। तो देखो स्लोगन बहुत ईजी है, नहीं नहीं वुल्फ ने कृष्णा को बोला, अल्डिहाइड कीटोन होगा अकेला। ना तो क्वेश्चन इज कि सर करना क्या है वो बताओ ना, तो देखो सिंपल सी बात है कि जो सी डबल बॉन्ड ओ होगा अल्डिहाइड या कीटोन वाला, उसको डबल बॉन्डेड ओ को आपको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देना, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी है, रिप्लेस ऑक्सीजन बाय टू हाइड्रोजन, एज इट इज वैसा ही है जो क्लीमेंसन रिडक्शन था। और यहाँ पे अब ये हो जाएगा वुल्फ किशनर रिडक्शन को मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा WKR, वुल्फ किशनर रिडक्शन। तो दोनों जो है वो भाई भाई ही हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किशनर रिडक्शन, दोनों का सेम काम है, सेम रिएक्टेंट रिएजेंट, सिर्फ चेंज प्रोडक्ट सेम, तो डिफरेंट क्या है वो हम ज्ञान की बात में बात करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन की। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये आपका अल्डिहाइड है, नहीं नहीं वुल्फ ने कृष्णा को बोला अल्डिहाइड कीटोन होगा अकेला, तो आपको करना क्या, वेरी सिंपल, जो चीज़ जैसे है वैसे लिख देना है, सी डबल बॉन्ड ओ की जगह दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, हाइड्रोजन कर दो, एक हाइड्रोजन पहले से था, आपका एल्केन बन के तैयार है। इस केस में भी इसको आपको CH3, इसको कुछ नहीं करना है, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देना हाइड्रोजन से, और ये जैसे था वैसे ही रखना है। इस केस में भी आपको बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने देना है, इस कार्बन पे पहले से हाइड्रोजन था और दो हाइड्रोजन आ चुके हैं। इस केस में भी अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सेम वही चीज़, बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने देना है, इस पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे और आपका रह जाएगा CH3। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये एसिड हैलाइड है और एसिड हैलाइड को ये कुछ नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है नो रिएक्शन। तो कहने का ये मतलब है कि ओनली अल्डिहाइड या कीटोन के लिए ही ये स्पेसिफिक रिएजेंट है, और उसको कैसे याद रखना है ये हमने आपको बता दिया है। नाउ अब जाते जाते अगेन ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर सपोज करो आपको यहाँ से यहाँ जाना हो तो कौन सा आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, वुल्फ किशनर या फिर क्लीमेंसन। तो सपोज करो कि मैंने अगर ZnHgHCl डेट इज क्लीमेंसन लिया तो क्या होगा, और अगर मैंने वुल्फ किशनर NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम लिया तो क्या होगा। तो अगर आपने ये यूज किया तो डेफिनेटली फिर ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, बट अगर आपने ये यूज कर दिया तो एक्चुअल में प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है कि वो तो कीटोन तो आपके निकल जाएंगे लेकिन ये Cl की जगह ये OH आ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, आपको अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्लीमेंसन रिडक्शन, बट अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो आप वुल्फ किशनर को यूज नहीं कर सकते, बट अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो वुल्फ किशनर को आप यूज कर सकते हैं, फिर आप क्लीमेंसन को नहीं यूज कर सकते। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल है और क्लियर भी होना चाहिए। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, डैट मीन्स OH को कुछ नहीं होना चाहिए, तो अब आप ZnHgHCl यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये यूज करेंगे तो एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या मिलता है, वो OH हट करके आपका क्या लग जाता है, Cl। इससे एक्चुअल में प्रोडक्ट आपको ये मिलने वाला है। अगर मैं इसकी जगह
NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम OH माइनस ये यूज करूं तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब वही था ज्ञान की बात में कि आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि आपको कहां से कहां जाना है। अगर Cl को बचा के रखना है तो ZnHgHCl वाला यूज करना पड़ेगा, Cl को भी हटाना है तो फिर वुल्फ किशनर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे OH को बचाना है तो वुल्फ किशनर यूज करना पड़ेगा, अगर OH नहीं चाहिए तो फिर आप क्लीमेंसन रिडक्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्लीमेंसन रिडक्शन में एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए और वुल्फ किशनर में बेस सेंसिटिव, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में है और ये एसिडिक मीडियम में। सोडियम बोरोहाइड्राइड फॉर्मूला इज NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में SBHB एरो पे दिखा दिया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान में रखना है। तो नाउ इसके लिए सबस्ट्रेट डैट मीन्स रिएक्टेंट क्या है, तो आइदर इट विल बी एसिड हैलाइड और कीटोन और अल्डिहाइड। जो रिएक्टेंट जिसको ये रिड्यूस करेंगे वो तीन ही और फिक्स हैं, कौन कौन है, एसिड हैलाइड, कीटोन एंड अल्डिहाइड। रिएजेंट आपको मालूम ही है सोडियम बोरोहाइड्राइड, प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। आइदर इट विल बी 1 degree और 2 degree, डैट मीन्स वी कैन नॉट प्रिपेयर 3 degree अल्कोहल वाया सोडियम बोरोहाइड्राइड। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस सबस्ट्रेट को, इस रिएजेंट को एंड इस प्रोडक्ट को कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल मेरे स्लोगन से आप याद रख सकते हैं। और मेरा स्लोगन क्या कह रहा है, SBH से हमने बनाया सभी, SBH से हमने बना लिया सभी, डैट मीन्स सोडियम बोरोहाइड्राइड सभी। को वर्ड क्यों लिया, क्योंकि ध्यान से देखो तो तीनों ही फंक्शनल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O है, तो सभी को। हेलो मीन्स हेलोजन, यहाँ वाला हेलोजन, सभी को हेलो कहो मतलब कार्बन, कार्बन से और यहाँ पे हाइड्रोजन से ह, तो सभी को हेलो कहो। और 1 to 1 मीन्स 1 degree, अगर हेलोजन होगा तो, कीटोन होगा तो 2 degree, और फिर अल्डिहाइड होगा तो 1 degree अल्कोहल बनाओ। तो देखो इसको चलते फिरते आप 2-3 मरतबा बोलोगे याद हो जाएगा। कैसे याद रखना है, सभी को हेलो कहो और 1 to 1 अल्कोहल बनाओ। तो इस स्लोगन में हमने रिएक्टेंट क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, सबको हमने इंक्लूड कर लिया है। और दैट्स वेरी सिंपल लाइन, वन लाइन, कि सभी को हेलो कहो और 1 to 1 अल्कोहल बनाओ। नाउ एक्चुअली रिएक्शन में आपको करना क्या है उसके बारे में मैं आइडिया देने जा रहा हूँ, कि अगर अल्डिहाइड या कीटोन होगा तो अल्डिहाइड या कीटोन का पाई बॉन्ड आपको ब्रेक कर देना है, और वो जो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हाइड्रोजन आपको कार्बन को देना है एंड ऑक्सीजन को देना है। कहने का सिंपल सा ये मतलब हुआ कि सपोज करो आपके पास ये अल्डिहाइड है तो इसका पाई बॉन्ड आपको ब्रेक कर देना है, ये वाला, ये ब्रेक कर दिए, और इसके बदले आप इसको क्या करेंगे, ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक किया था इसको भी हेच देंगे और इसको भी हेच देंगे, बाकी जो चीज़ जैसे वैसे ही रहने देना। सिमिलरली अगर कीटोन हुआ तो कीटोन के केस में भी आपको क्या करना है, सिर्फ इसका पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने देना आपको। और ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक किया तो इस कार्बन को भी हेच दिया और इस ऑक्सीजन को भी हेच दिया। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि अगर अल्डिहाइड या कीटोन होंगे तो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और उस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर करके कार्बन को भी हेच देना है एंड ऑक्सीजन को भी आपको हेच देना है। नाउ अगर एसिड हैलाइड हुआ तो हैलोजन की जगह पहले हेच भर देना है। तो जैसे हैलोजन की जगह, अगर आप ध्यान से देखो, अगर एसिड हैलाइड हुआ तो हैलोजन की जगह हेच भरोगे तो ये फिर से किस में आ जाएगा आपका, अल्डिहाइड में, इस वाले में, फिर यहाँ से सेम प्रोसीजर रहेगा। तो वही लिखा है मैंने कि एसिड हैलाइड होगा तो हैलोजन को हेच से रिप्लेस करो, फिर जो सी डबल बॉन्ड ओ का पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करके हाइड्रोजन कार्बन को दे दो और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, ये आपको करना है। नाउ अब मैं बात करता हूँ इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके एप्लीकेशन की। तो मैंने टोटल 6 प्रॉब्लम लिए हैं, ध्यान से देखो। तो ये आपका एसिड हैलाइड हो गया जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ और Cl है। अपना स्लोगन क्या था, सभी को, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सभी को भी है, हेलो तो ये हैलोजन वाला है, कहो तो ये कार्बन वाला है और ये हाइड्रोजन वाला है, तो डैट मीन्स ये तीनों हेलो कहो,
और ये सब में सभी हैं, सोडियम ब्रोहाइड्राइड हैं, सभी को हेलो कहो। तो अगर ये होगा तो क्या करना है, 1:1 अल्कोहल बनाओ। तो इसमें 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, इसमें 2 डिग्री और इसमें 1 डिग्री। तो कैसे, तो आपको बताया था क्या करना, पहले हैलोजन को रिप्लेस करेंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा। तो जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, पहले केस में क्या होगा आपका, ये आ जाएगा, हैलोजन को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन से। और फिर फर्दर क्या होगा, जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देना है और इस कार्बन को हेच देंगे और ऑक्सीजन को। तो ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, तो CH3C इस ऑक्सीजन को हेच मिला और इस कार्बन को, और ये हेच पहले से इसके पास था। तो आप देख सकते हो ये कौन सा आ गया, 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ अगेन ये होंगे तो क्या करना है, CH3C इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। तो ये ऑक्सीजन वाला एक बॉन्ड है, इसको भी हाइड्रोजन देना और इसको दे दिया और बाकी जो चीज़ जैसे हैं। तो ये देख सकते हो ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। और ये एल्डिहाइड होगा तो अगेन इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन को हेच देना, ऑक्सीजन को हेच देना। तो CH3 इस कार्बन पे ऑक्सीजन जो था उसको हेच, कार्बन को हेच और एक हेच पहले से था, तो ये 1 डिग्री बन गया। नाउ इस केस में आपका दो दो फंक्शनल ग्रुप है और दोनों को ये रिड्यूस कर सकता है, इसलिए उस स्लोगन से 3 को ही कर सकते हैं और वो हमने बहुत ही अच्छे वे में कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे ये एसिड हैलाइड है तो ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अप कर रहा हूँ, आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। इस पाई बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया तो ऑक्सीजन को भी हेच दिया और कार्बन को हेच दिया जो दिखाया नहीं। और वैसे ही यहाँ पे इस पाई बॉन्ड पहले तो हैलोजन निकल जाएंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा और वो पाई बॉन्ड को जब ब्रेक किया तो एक एक हेच मिल जाएंगे। नाउ यहाँ पे एसिड है, एसिड को ये रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि हमने बताया आपको किस किस को, हेलो कहो, एसिड हैलाइड, कीटोन एंड एल्डिहाइड को कर सकता है। तो इसको कुछ नहीं होगा, सिर्फ इस कीटोन का पाई बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, तो बाकी जो चीज़ें जैसे हैं वैसे ही रहने देना है। और इसका पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो इसको हेच और इसको हेच एक मिल चुका है, जो हम जनरली दिखाते नहीं हैं, अगर आपको दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हो। नाउ यहाँ पे अल्कोहल है, इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि अल्कोहल तो प्रोडक्ट ही बनता है। एल्डिहाइड का अगेन पाई बॉन्ड आपको ब्रेक करना है और बाकी जो चीज़ें जैसी हैं वैसे ही रहने देना आपको, तो ये मैंने वैसे ही रहने दिया। यहाँ पे हेच था, इस ऑक्सीजन को भी हेच मिला और इसको भी हेच। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट बनाना बहुत ईजी है, आप मेरे उस स्लोगन को याद रखें और करना क्या उसको ध्यान में रखें तो आपको ईजिली सोडियम बोरोहाइड्राइड से आने वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। नाउ जाते जाते अगेन मैं ज्ञान की बात करने जा रहा हूँ और उसमें पहला पॉइंट ये है कि जो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है उससे एक्चुअली आपको हेच माइनस मिलता है, डैट इज एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। एंड इट इज़ ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, डैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को कर सकता है, बट ये 3 फंक्शनल ग्रुप को ही किया था, इसलिए इट इज़ ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट। और एक्चुअल में ये रिएक्शन होती कैसे है, इतना रिक्वायर्ड तो नहीं है बट फिर भी थोड़ा समझने के लिए, तो यू नो इससे आपको हेच माइनस मिलेगा और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो ये यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पर, तो ये जो आपके पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आगे वाले केस में क्या हो जाएगा, CH3 ये पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट हो गया तो उस पर माइनस, ये हेच आ गया और ये हेच पहले से थे। एंड आगे के प्रोसेस में फिर इसको वाटर से हेच प्लस मिल जाएगा तो आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा, CH3OH हेच एंड हेच, डैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला है LiAlH4 और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लाह भी बोल सकते हैं। L ले लिया यहाँ से, A ले लिया यहाँ से, H ले लिया यहाँ से, तो इसको लाह भी बोलते हैं। तो एरो पे आपको या तो ये लिख करके बताएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सिर्फ लाह भी लिख सकता है, और ये एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इस पर बेस प्रॉब्लम रहते ही रहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगेन इस रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे याद रखेंगे, ये किस किस को रिड्यूस करेगा उसको कैसे याद रखेंगे और इससे मिलने वाले प्रोडक्ट को कैसे याद रखेंगे। तो तीनों को ही मैंने अपने एक स्लोगन में कनेक्ट कर लिया है और वो ये है, देखो स्लोगन नंबर 1, पहले मैं ये बता दूं कि ये स्लोगन का बेसिक क्या है, कि सपोज करो आप किसी मैरिज फंक्शन में गए हो तो वहाँ पर का सीन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो किसी मैरिज फंक्शन में अगर गए हो
तो वहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इधर हॉल में दोबारा अल्कोहल मत रखना। इस वर्ड का क्या मतलब है, इधर मतलब ईथर, आर ओ आर ईथर, हॉल इन द सेंस लाह को मैं अगर इस साइड से पढ़ूँ तो हॉल वर्ड हो जाएगा एच ए एल, वी कैन कनेक्ट। तो इधर हॉल में दोबारा मतलब सी डबल बॉन्ड सी, एन डबल बॉन्ड एन होगा, अगर आइसोलेटेड है डैट मीन्स ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो दोबारा डैट मीन्स सी डबल बॉन्ड सी या एन डबल बॉन्ड एन। अल्कोहल मतलब आर ओ एच, मत मतलब नॉट, रखना मतलब रिडक्शन। तो फर्स्ट जो लाइन है उसका क्या मतलब है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कांट रिड्यूस ईथर सी डबल बॉन्ड सी एन डबल बॉन्ड एन आइसोलेटेड अल्कोहल को रिड्यूस नहीं करेगा। तो उसको मैंने कनेक्ट किया इधर हॉल में दोबारा अल्कोहल मत रखना। किसी मैरिज फंक्शन में गए तो आपको कोई बोल सकता है कि इधर हॉल में दोबारा अल्कोहल मत रखना। नेक्स्ट इज कोई, कोई मतलब कीटोन, पूछे मतलब इपॉक्सी से मैंने पूछे बना दिया, कोई पूछे तो दो, डैट मीन्स अगर कीटोन होगा और इपॉक्सी होगा तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है। मैरिज में अगर आप किसी मैरिज फंक्शन में जाते हो तो अगर कोई चीज़ मिलती है, सपोज करते हैं अगर शरबत ही मिलता है तो सबको वन टाइम तो मिलता ही है, उसके बाद किसी को दोबारा चाहिए तो उसको बोलना पड़ता है। तो वही सीन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, कोई पूछे तो दो, डैट मीन्स ओनली कीटोन के केस में एंड इपॉक्सी के केस में आपको 2 डिग्री बनाना है, अदरवाइज 1 डिग्री तो अल्कोहल बनेगा ही क्योंकि 1 टाइम तो सबको मिलेंगे ही, उसके बाद कोई पूछता है तो उसको फिर दोबारा मिलता है। तो वही सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया, कोई पूछे कीटोन एंड इपॉक्सी होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, रेस्ट केस में 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है। तीसरा पॉइंट है वरना, वरना इन द सेंस यहाँ पे अगर नाइट्रोजन उस फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन प्रेजेंट है लाइक अमाइड है साइनाइड है तो उसीलिए एन वर्ड से हमने वरना मतलब एन से ना बनाया, वरना ऑल माइन मतलब आपको अमाइंस बनाना है, उस केस में अल्कोहल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट अमाइन एक्सेप्ट नाइट्रो, इस केस में क्या बनेगा वो हम एप्लीकेशन में बात करेंगे। तो आई होप मेरा राइमिंग वर्ड आपको समझ में आ गया होगा और इसको अगेन आप 2-3 मरतबा पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा राइमिंग वर्ड क्या है, इधर हॉल में दोबारा अल्कोहल मत रखना, कोई पूछे तो दो, वरना ऑल माइन, ये 3-4 मरतबा पढ़ोगे आपका इससे रिएक्टेंट याद हो गया, रिएजेंट याद हो गया एंड प्रोडक्ट भी याद हो गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो ध्यान से देखें यहाँ पे मैंने टोटल 10 प्रॉब्लम लिए हैं, उसको कैसे करना है लाह के केस में। तो अगर हमने अल्डिहाइड लिया तो आपको क्या करना है, जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देना है और इसको भी एक हेच देना है और इसको भी एक हेच देना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा CH3, जो जैसा वैसा ही इस कार्बन पे ऑक्सीजन को हेच मिला, इसको हेच मिला और ये पहले से हेच था, तो यू कैन सी कि ये आपको 1 डिग्री अल्कोहल दे दिया। नाउ इस केस में आते हैं कीटोन में क्या करेंगे, तो अगेन पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, एक हेच इसको एक हेच इसको, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बाकी जो चीज़ें जैसे हैं CH3C इस पे O के साथ हेच आ गया, इस पे हेच एक आ गया और CH3 पहले से था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल गया 2 डिग्री अल्कोहल। नाउ एसिड के केस में क्या करना है, तो एसिड के केस में आप ध्यान दो तो पहले इसको आप ब्रेक करोगे तो इसको हेच मिलेगा और इसको भी हेच मिलेगा, और यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है तो इसको हेच मिलेंगे और फिर से इसको हेच मिलेगा। तो नाउ यू कैन सी कि जो चीज़ जैसे वैसे लिख दो, CH3 पहले से था, इस कार्बन पे अब ऑक्सीजन के साथ हेच आ चुका है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला जो पाई बॉन्ड ब्रेक किए वो आया और एक ऑक्सीजन वाला सिंगल बॉन्ड, तो इधर से भी हेच और इधर से भी हेच, तो यू कैन सी कि आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिला। नाउ ये आप देख सकते हो फिर से ये एस्टर है, सेम केस यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इसको हेच मिलेगा और यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक करना है तो इसको हेच और इसको हेच। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो तो मैं सिग्मा को कम्प्लीटली ब्रेक कर रहा हूँ और अगर पाई बॉन्ड बना हुआ है, 2 बॉन्ड बना हुआ है तो उसमें से सिर्फ पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, तो अगेन आप देख सकते हो CH3 इस कार्बन पे ओ हेच आ गया और हेच और हेच, तो अगेन यू कैन सी कि आपको क्या मिला 1 डिग्री अल्कोहल।
नाउ इस केस में आप देख सकते हो ये एसिड हैलाइड है, तो अगेन इस बॉन्ड को ब्रेक करूँगा तो एच एच, और यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो अगेन एच एच, तो यू कैन सी कि आपको मिल जाएगा सी एच थ्री इस कार्बन पे ओ एच, इस कार्बन पे एच एच, और आपको मिल जाएगा अगेन 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये पांचों केस जो है जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ है और उसके साथ हाइड्रोजन है, दैट मीन्स अल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, एस्टर है, एसिड हैलाइड है, इन सब में मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर दो बॉन्ड बना हुआ है, डैट मीन्स सिग्मा और पाई साथ में है, तो सिर्फ पाई को ब्रेक करना है, और अगर सिग्मा बॉन्ड भी है डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ तो उसको भी ब्रेक करना है, और सबको हाइड्रोजन देना है, ये यहाँ पे कंसेप्ट है। और आप देख सकते हो कि सिर्फ कीटोन में 2 डिग्री, इसलिए मैंने लिखा था कोई, तो 2 डिग्री अल्कोहल, वरना सब में क्या बन रहा है ध्यान से देखो, 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ नेक्स्ट ये वरना वाला है, वरना ऑलमाइन, चूँकि यहाँ पे अमाइड ग्रुप है तो इस केस में अल्कोहल नहीं बनाएंगे, अमाइन बनाएंगे, तो आपको करना क्या है, सिर्फ ये यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसको भी ब्रेक करना और इसको भी ब्रेक करना, और इसको हैच, इसको हैच इस बॉन्ड की वजह से, फिर ये बॉन्ड ब्रेक किया तो इसको हैच, इसको हैच, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सी एच थ्री इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन आ गया और एन एच टू, डैट मीन्स 1 डिग्री अमाइन मिल चुका आपको, वरना ऑल माइन। तो वो वही वाला पॉइंट है कि अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है आपके फंक्शनल ग्रुप में तो आपको अमाइन बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमाइन बनाना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, तो इसको हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन, फिर एक इसको भी ब्रेक कर दो तो इसको हाइड्रोजन और इसको हाइड्रोजन, दोनों बॉन्ड को ब्रेक करना है, बस तीसरा बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है। तो व्हाट यू विल गेट, सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू, डैट इज अगेन 1 डिग्री अमाइन यू विल गेट। नाउ ये वही है इपॉक्सी, कोई पूछे तो दो 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो इसका जो एच माइनस है वो लेस क्राउडेड कार्बन पे अटैक करेगा, तो इधर से रिंग आपकी ओपन हो जाएगी, तो आप देख सकते हो ये वाला जो कार्बन है, इधर से जब ये रिंग ओपन हो जाएगी तो इस कार्बन पे एच आ जाएगा, तो सी एच थ्री इस कार्बन पे सी एच थ्री पहले से था और सी एच पे सी एच थ्री, और वो ऑक्सीजन वाला ओ एच हो जाएगा, तो ये बन गया। तो ये देख सकते हो आपका कौन सा बन गया, ये 2 डिग्री अल्कोहल। इसलिए कीटोन में आप देख सकते हो, कीटोन में एंड इपॉक्सी में कोई पूछे तो दो, नहीं तो हर केस में 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, और वरना अगर नाइट्रोजन है तो अमाइन बनाना है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये एल्काइल हैलाइड है RX, तो भी आपको ये बॉन्ड को ब्रेक करना है और इसको हैच दे देना है, तो व्हाट यू विल गेट, CH3, डैट मीन्स यू विल गेट एल्केन, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एल्केन। और अगर एरोमेटिक रिंग पे NO2 नहीं लगा है, एलिफैटिक पे लगा हुआ है ओपन चेन पे, तो आपको वही चीज़ वही कंसेप्ट लगाना है, नाइट्रोजन है तो अमाइन बनाना है, डैट मीन्स CH3CH2 इस नाइट्रोजन के साथ आपको दो हाइड्रोजन 1 डिग्री अमाइन बना देना। तो ये मैंने 10 फंक्शनल ग्रुप लेकर के आपको समझा दिया है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा किस केस में क्या करना है। वेरी सिंपल स्लोगन है कि क्या कर, स्लोगन है इधर हॉल में दोबारा अल्कोहल मत रखना, डैट मीन्स ईथर अल्कोहल सी डबल बॉन्ड सी एंड डबल बॉन्ड एन को ये रिड्यूस नहीं करता है। कोई पूछे तो दो, डैट मीन्स कीटोन एंड इपॉक्सी केस में 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, वरना हर केस में 1 डिग्री अल्कोहल बनेंगे, एंड अगर नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है जैसे अमाइड सानाइड नाइट्रो, तो वहाँ पे 1 डिग्री अमाइन बनाना आपको। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और ज्ञान की बात में ये है कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ 3 फंक्शनल ग्रुप को करता था, ये ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप को करता है, और जो एप्लीकेशन में हमने बताया कि 10 फंक्शनल ग्रुप हमने लिया, तो इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगेन इससे भी आपको एच माइनस मिलेगा जो कि एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। एंड ज्ञान की बात में पॉइंट नंबर 3, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एरोमेटिक रिंग पे NO2 ग्रुप लगा हो तो और लास्ट से रिएक्शन करा रहा हो तो आपको एनिलीन नहीं बनाना है, ये ध्यान रहे, एजो ग्रुप बनेगा, डैट मीन्स आपको क्या करना है, 2 नाइट्रोजन को N डबल बॉन्ड N से, डैट मीन्स इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ये N इसका रहेगा, ऑक्सीजन हटा देना, N डबल बॉन्ड N से आपको कनेक्ट कर देना है।
और जहाँ पे एन डबल बॉन्ड एन आता है तो इस लिंकेज को बोलते हैं एजो। तो यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये ध्यान रखना है। इन केस ऑफ नाइट्रोबेंजीन यू विल गेट एजो प्रोडक्ट नॉट एनिलीन। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। जनरली इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आप रिड्यूसिंग एजेंट लोगे तो ये किस किस फंक्शनल ग्रुप को ईजिली रिड्यूस नहीं करेगा, ईजिली इन द सेंस रूम टेम्परेचर पे रिड्यूस नहीं करेगा, तो वो भी लिस्ट आउट किया मैंने, और किसको कर देगा वो भी इसमें कर दिया हमने। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगेन इस रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे याद रखेंगे, इसके रिएक्टेंट को कैसे याद रखेंगे एंड इसके प्रोडक्ट को कैसे याद रखेंगे। तो उसको हमने सिंपल एक स्लोगन से कनेक्ट किया है, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल। सी हियर, हेलो एनी बहन जी, आयमा सिस्टर के पास कार होगा, पता नहीं पढ़ने देना है। ये एक लाइन हो गया, हेलो एनी बहन जी, डैट मीन्स यू आर सेइंग एनी बहन जी को, हेलो एनी बहन जी, आयमा सिस्टर के पास कार होगा, पता नहीं पढ़ने देना है। इस वर्ड का क्या मतलब है? हेलो मतलब आरएक्स, एल्काइल हैलाइड होगा, तो उसको एनी मतलब एनहाइड्राइड, बहन जी मतलब बेंजीन, आयमा मतलब अमाइड, सिस्टर डेट मीन्स एस्टर, एस्टर से मैंने बना लिया सिस्टर, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, होगा मतलब अल्कोहल ROH, पता नहीं पढ़ने देना मतलब, पता मतलब PT, नहीं मतलब NI, पढ़ने मतलब PD, है मतलब हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो एल्काइल हैलाइड, एनहाइड्राइड, बेंजीन, अमाइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, इन सबको रिड्यूस नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पे। देखो कोई भी रिएक्शन अगर हमें कराना हो, ज़बरदस्ती कराएंगे तो वो हो ही जाएगा। तो एग्ज़ाम में अगर कोई चीज़ पूछा जा रहा है कि विच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, डैट मीन्स वो रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा है। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप आपका रिड्यूस नहीं हो पाता है ईजिली हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम से। नाउ किस किस को करेगा, तो उसके लिए सिंपल क्या है, मल्टीपल बॉन्ड को बराबर इज्जत देना है। मल्टीपल बॉन्ड इन द सेंस दोनों जो एलिमेंट है वो सेम हो तो भी चलेगा, डिफरेंट हो तो भी चलेगा। डैट मीन्स कहीं पे अगर सी डबल बॉन्ड सी है तो मल्टीपल बॉन्ड आ गया, या कहीं पे सी डबल बॉन्ड ओ है, या कहीं पे सी डबल बॉन्ड एन है, तो इन सबको बराबर इज्जत देना मतलब क्या हो गया कि इनके मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक कर देना, इसको भी हेच देना, इसको भी हेच देना। सिमिलरली इसके मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, इसको हेच मिलेगा, इसको हेच मिलेगा। सिमिलरली इसके मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करके इसको हेच और इसको हेच। तो इस लाइन का यही मतलब है कि वो जो मल्टीपल बॉन्ड बना हुआ है वो सेम एलिमेंट के बीच हो या डिफरेंट एलिमेंट के बीच हो, डैट डजंट मैटर, बराबर इज्जत देना इन द सेंस उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों को एक एक हेच देना है। नाउ जो ट्रिक हमने आपको दिया है, अब उसको कैसे अप्लाई करेंगे, उसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेडियम या प्लेटिनम हमने लिया है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी। तो हमने क्या बोला था कि इसमें से एक पाई बॉन्ड को आपको ब्रेक कर देना है, और ये ब्रेक करके इसको हेच देना और इसको हेच देना, बराबर इज्जत देना। तो आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया, बाकी जो चीज़ जैसे वैसे ही रहने दो। एक हाइड्रोजन था, एक और हाइड्रोजन आया, तो CH2 CH2 CH3। दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्कीन। नाउ एल्काइन होगा, तो ये भी मल्टीपल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करके हेच दो, ये भी मल्टीपल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करके भी हेच दो। तो व्हाट यू विल गेट, अगेन सेम प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2 CH3। नाउ यहाँ पे भी देखो, तो ये मल्टीपल बॉन्ड है, सेम एलिमेंट के बीच हो या डिफरेंट एलिमेंट, तो आपको ब्रेक करना, इसको भी एक हेच देना, इसको भी एक हेच। तो अब ध्यान से देखो आपके पास क्या मिल गया, CH3। इस कार्बन पे एक हेच था, एक और हेच आया, तो CH2, और ऑक्सीजन उससे जुड़ा हुआ था, उसको हाइड्रोजन मिल गया, तो OH अल्कोहल बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आप इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इसको हेच दे दो, तो व्हाट यू विल गेट, CH3। इस कार्बन के पास हेच आया और ऑक्सीजन के पास भी हेच आया, और ये CH3 ऐसे ही था। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो, तो आपका
ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको हेच और इसको हेच मिलेंगे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको हेच, तो आपको क्या मिल जाएगा, अमाइन CH3CH2N पे दो हाइड्रोजन NH2, 1 डिग्री अमाइन आपको मिल जाएगा। डैट मीन्स नाइट्रोजन होगा तो अमाइन बना देना है, ऐसा भी आप कह सकते हो। अगेन नाइट्रोजन है, ये दोनों ऑक्सीजन को हटा करके हाइड्रोजन ले आना है, तो व्हाट यू विल गेट, CH3NH2। तो नाइट्रोजन होगा तो अमाइन बना देना है, अदरवाइज आपको कैसे करना है समझा दिया। यहाँ पे पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको हेच इसको हेच, तो फर्स्ट केस में आपको ये मिल जाएगा अल्डिहाइड, और फिर फर्दर अल्डिहाइड किस में चला जाएगा, अल्कोहल में, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इसको भी हेच और इसको भी हेच, तो यू कैन सी CH3CH2OH आ जाएगा। नाउ ये एसिड है, तो आपको बताया था कि इस फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करता रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होगी, ज़बरदस्ती हम कराना चाहें तो कोई भी रिएक्शन हो सकती है, यू नो, बट रूम टेम्परेचर पे एसिड फंक्शनल ग्रुप कैन नॉट बी रिड्यूस बाई H2 और NI। नाउ अब जाते जाते मैं ज्ञान की बात करूँगा और डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ध्यान से देखिए पॉइंट नंबर 1 में कि जो मैं H2NiPdPt लिख रहा हूँ इसका क्या मतलब है कि आपको हाइड्रोजन लेना है इन प्रेजेंस ऑफ आइदर निकल या फिर प्लेटिनम या फिर प्लेटिनम। इसको कैसे याद रख सकते हैं, नहीं पढ़ोगे पिटोगे ना। तो क्वेश्चन इज कि इन तीनों का काम क्या है, तीनों का काम सेम है, ये एक सरफेस क्रिएट करता है जिस पे यह हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाती है, सरफेस रिएक्शन है ये एडजॉर्प्शन वाली। तो निकेल अगर लोगे तो आपको थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ेगा, और प्लेटिनम लोगे तो थोड़ा कम टेम्परेचर, और प्लेटिनम लोगे तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी। तो इन तीनों का जो मेजर यहाँ पे पॉइंट समझना है कि निकेल में रिएक्शन थोड़ा कम स्लो होगी, उससे ज़्यादा फास्ट प्लेटिनम में होगी, और उससे ज़्यादा फास्ट प्लेटिनम में होगी। डैट मीन्स प्लेटिनम अगर आप लेंगे तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी, प्लेटिनम में थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, निकेल में उससे भी ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो ये इस वर्ड का क्या मतलब है ये हमने समझाया। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 लेता, तो अगर सपोज करो कि आपने H2 इन प्रेजेंस ऑफ NI या PD या PT लिया होता तो सीधा इसको आप एल्केन में कन्वर्ट कर देते CH3 CH2 CH2 CH3। बट अगर यहीं पे H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD लेते विथ सम अनदर रिएजेंट लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, तो फिर इस रिएक्शन को आपको एल्कीन पे ही रोकना पड़ता, डैट मीन्स यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड C, एक एक हेच उन दोनों को मिल जाता है उस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से, और CH3। इस केस में ये सीन एडिशन भी होता है जिसके बारे में मैं ट्रिक आपको दूंगा आगे के लेक्चर में। तो ये आपको एल्कीन पे रिएक्शन रुक जाएगी, समझना इस पॉइंट को है कि अगर सिर्फ H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम प्लेटिनम लोगे तो एल्केन पे रुकेगी, बट H2 प्लेटिनम लेकर के अगर आपने एक्स्ट्रा कोई ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट तो ये रिएक्शन आपकी फिर रुक जाएगी कहाँ पे, एल्कीन पे। और इस रिएजेंट का स्पेशल नेम है, डैट इज कॉल्ड लिंडलार कैटलिस्ट। तो ऐसा क्या हुआ, एक्चुअली में क्या हुआ कि जो आपके पास ये सरफेस थी प्लेटिनम की उस पर कैल्शियम कार्बोनेट के पाउडर आपने डाल दिए तो बहुत सारे होल्स इसके ब्लॉक हो गए जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, तो रिएक्शन फिर आपका एल्काइन से एल्कीन पे रुक जाएगा, एल्काइन से एल्कीन पे रुक जाएगा। तो अगर बीच में रोकना हो तो आपको सम ऑफ द पाउडर फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट उस कैटलिस्ट के सरफेस पे डालना पड़ेगा। नेक्स्ट जो ज्ञान की बात है वो ये है कि अगर मैं एसिड हैलाइड लिया होता CH3COCl, तो अगेन सेम पॉइंट कि अगर आप इसमें H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम या प्लेटिनम ये सब लेते तो ये रिएक्शन में आपको इसको ब्रेक करके HH देना था और ये पाई बॉन्ड पे ब्रेक करके HH देना था तो आपको अल्कोहल मिलता। बट अगर हम चाहते हैं कि इसको सिर्फ हैलाइड को हैलोजन को बाहर निकाले, डैट मीन्स अल्डिहाइड अगर बनाना चाहते हैं, रिएक्शन को यहीं पे रोकना चाहते हैं,
तो अगेन आपको H2PD तो लेना ही पड़ेगा, और इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा बैरियम सल्फेट। दैट मीन्स सेम वैसा ही काम करेगा ये बैरियम सल्फेट का पाउडर, आपके जो प्लेटिनम के जो एक्टिव साइट्स थे, एक्टिव होस्ट थे, उसमें जा कर के बैठ जाएंगे, जिससे उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो आपकी रिएक्शन फिर एसिड हैलाइड से अल्डिहाइड पे रुक जाएगी। और इस रिएजेंट का भी एक स्पेशल नेम है, दैट इज रोजनमेंट कैटलिस्ट, इसको बोलते हैं रोजनमेंट कैटलिस्ट। तो अगर कभी आपको कन्फ्यूजन हो तो देखो इसमें BA है और इसमें R है, तो बार वर्ड से याद रख सकते हैं, रेस्टोरेंट एंड बार वर्ड होता राइट, तो बार वर्ड से कि बैरियम होगा तो रोजनमंड बोलेंगे, और कैल्शियम होगा तो कैल्शियम में L आ रहा है तो उसको बोलेंगे लिंडलार। BH3THF, BH3 को हम लोग डाई बोरेन भी बोलते हैं, यू नो ये डायमर फॉर्म में मिलेगा, और THF यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करता है, इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, ये इस तरह का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जो सॉल्वेंट का यहाँ पे काम कर रहा है। मैनली यू नो बोरॉन के पास एक वैकेंट प्योर वाइटल है, तो जिसको ये लोन पेयर के थ्रू स्टेबलाइज करने का काम करता है। तो BH3THF जहाँ भी एरो पे लिखा होगा, डैट मीन्स आपको रिड्यूस करना है, और किसको रिड्यूस करना है, किसको नहीं रिड्यूस करना है, डैट मीन्स इसमें रिएजेंट कौन है, रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट क्या है, उसको मैंने अगेन वेरी सिंपल स्लोगन से कनेक्ट किया है, एंड डैट इज भाई तूफान को हेलो मत बोलो। डैट मीन्स यू नो तूफान को हेलो नहीं बोलना है, भाई तूफान को हेलो मत बोलो, नहीं तो कपल मरेंगे, वरना सिंगल मरेंगे, डबल सिंगल होंगे और अल्कोहल पिएंगे। ये लाइन आपको ध्यान में रखना है, भाई तूफान को हेलो मत बोलो, अगर तुमने तूफान को हेलो बोल दिया तो क्या होगा, नहीं तो कपल मरेंगे, वरना सिंगल मरेंगे या डबल सिंगल होंगे, और ये सब अगर ऐसा हुआ तो ये गम में क्या करेंगे, अल्कोहल पिएंगे। जस्ट जोक नाउ द क्वेश्चन इज कि इसका मतलब क्या है सर, तो देखो भाई मतलब BH3 से हमने BH से भाई बना लिया, तूफान मतलब टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन से मैं तूफान, भाई तूफान को मतलब इसमें C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल वाला कार्बन होगा, को हेलो डैट मीन्स C डबल बॉन्ड OX एसिड हैलाइड अगर होगा तो इसको आपको रिड्यूस नहीं करना है, ये रिड्यूस नहीं होगा, एसिड हैलाइड सिर्फ रिड्यूस नहीं होगा, नहीं तो डैट मीन्स अगर नाइट्रोजन है लाइक अमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2 तो ये नाइट्रोजन आ गया, नहीं तो या फिर RC ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन आ गया, तो नहीं मतलब नाइट्रोजन तो कपल मरेंगे, डैट मीन्स ओनली पाई बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है, इस केस में ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सिग्मा ब्रेक नहीं करेंगे, इसलिए नहीं तो कपल मरेंगे, कपल इन द सेंस डबल बॉन्ड को आपको ख़त्म कर देना है, सिंगल बॉन्ड को रखना है। अगर कार्बन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट है तो वहाँ पे उसको भी आपको ब्रेक करना है, डैट मीन्स सिंगल मरेंगे, जो डबल होंगे सी डबल बॉन्ड ओ वाले लाइक अल्डिहाइड कीटोन में डबल सिंगल होंगे, और इन सब केस में जो सिंगल मरेंगे या डबल सिंगल होंगे तो अल्कोहल बनाना है, और नहीं वाले में आपको एमाइंस मिलेगा। करना क्या है सर ये बताओ, करना क्या एक्चुअली में, ये तो कहानी हो गई, करना क्या है? तो देखो करना बहुत सिंपल है, यहाँ पर मैंने एक समझाया कि सपोज करो मैंने सी डबल बॉन्ड ओ वाला लिया तो ये वाला पॉइंट लगाना है डबल सिंगल होंगे, यहाँ पे डबल दिख रहा है तो हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया और इसको भी एक हेच दिया, इसको भी हेच, एकदम इक्वल बराबर इज्जत देना, दोनों को हेच दिया और ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ये वाला नहीं तो अगर नाइट्रोजन होगा तो सिर्फ डबल बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया और जो भी पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे उस दोनों को एक एक हेच मिल जाएगा तो ये वाला प्रोडक्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड भी है सिंगल बॉन्ड भी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है तो सिंगल भी ब्रेक होंगे वरना सिंगल मरेंगे, ये पॉइंट डबल सिंगल होंगे तो सिंगल को मैंने ब्रेक किया HH दे करके और डबल को सिंगल किया HH दे करके तो ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो करना क्या है वो भी हमने समझा दिया। चलिए अब जो हमने आपको स्लोगन या ट्रिक दिया है उसको मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने अल्डिहाइड लिया है और BH3THF को एज ए रिएजेंट यूज किया है, तो अपना स्लोगन क्या था, भाई तूफान को हेलो मत बोलो,
नहीं, डेट मीन्स नाइट्रोजन होगा तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, वरना सिंगल मरेंगे और डबल सिंगल होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ डबल ही सिंगल होगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन को हम ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला एलिमेंट मानते हैं। तो डबल को सिर्फ आपको क्या कर देना, सिंगल, इसको हेच देना है, इसको हेच देना है, तो व्हाट यू विल गेट, बाकी जो चीज़ जैसे वैसे ही रहने देना, इसका हेच और इसका हेच, यू विल गेट अल्कोहल। अगेन यहाँ पे सेम पॉइंट, डबल को सिंगल कर देना, इसको हेच, इसको हेच, व्हाट यू विल गेट, सी एच थ्री, सी पे ओ के साथ हेच, इसका हेच और सी एच थ्री, जो जैसे। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो सिंगल भी मरेंगे और डबल सिंगल होंगे, तो इसको जब ब्रेक करोगे तो इसको हेच और इसको हेच मिलेगा, और इसको ब्रेक करेंगे तो इसको हेच एंड इसको अगेन हेच मिलेगा। तो व्हाट यू विल गेट, सी एच थ्री, इस कार्बन पे ओ के साथ हेच और दो हाइड्रोजन आ गया, तो आप ध्यान से देखो, तो 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल, ओनली कीटोन में आपको 2 डिग्री मिलेगा, अदरवाइज 1 डिग्री मिलेंगे। नाउ अगेन यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है, डिफरेंट है, तो इसको ब्रेक करके इसको हेच, इसको हेच, और यहाँ से डबल को ब्रेक करके इसको हेच एंड इसको हेच, तो अगेन यू विल गेट सेम प्रोडक्ट, सी एच थ्री, सी ओ के साथ हेच, इधर एक हेच, इधर एक हेच, 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ अगर एनहाइड्रेट लेंगे तो अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन है, तो फिर से डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ब्रेक कर देना और डबल को भी सिंगल कर देना है, तो अगेन यू विल गेट सेम प्रोडक्ट, सी एच थ्री, सी के ओ एच, इधर हेच, इधर हेच, तो हर केस में आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, एक्सेप्ट कीटोन में आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे। तो वही हमने पॉइंट दिया था कि भाई तूफान को हेलो मत बोलो, नहीं तो यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं था कि कपल मरेंगे, वरना सिंगल मरेंगे। सिंगल कब मरेंगे, जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और डबल सिंगल कर देना है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना, एंड अल्कोहल पिएंगे, डेट मीन्स देखो सब केस में अल्कोहल बन रहा है। नाउ यहाँ पे नाइट्रोजन है नहीं, तो सिर्फ किसको आपको ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड को, तो यहाँ पे इसको हेच और इसको हेच, और डबल मरेंगे, कपल मरेंगे, मतलब इसको भी ब्रेक करना है, तो इसको हेच और इसको हेच, ओनली दोनों बॉन्ड को ब्रेक करना है, इधर वाले को नहीं करना है। तो व्हाट यू विल गेट, सी एच थ्री, सी एच टू, एन एच टू, यू विल गेट अमाइन, नहीं तो कपल मरेंगे, डैट मीन्स आपको सिग्मा और पाई जो सी डबल बॉन्ड वाला, उसको ब्रेक कर देना। यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, तो सारे ये पाई बॉन्ड को आपको ख़त्म कर देना, तो व्हाट यू विल गेट, सी एच थ्री, सी एच टू, NH2, क्योंकि ये ब्रेक होंगे, तो इसको हेच, इसको हेच, इसको हेच, इसको हेच, सबको बराबर इज्जत देना है। इवन तो ये एल्कीन को भी कर सकता है, अगेन पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इसको हेच, इसको हेच, व्हाट यू विल गेट, CH3, CH2, CH2, CH3। अगेन अगर ट्रिपल बॉन्ड भी हो, एल्काइन भी हो, तो आपको ब्रेक करना और हेच हेच देना है, तो व्हाट यू विल गेट, CH3, CH2, CH2, CH3। और ये वाला जो आ गया, वही भाई तूफान को हेलो मत बोलो, हेलोजन आ गया है, क्लोरीन, तो इसका फिर नहीं हो पाता है, फिर ये रिड्यूस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट से इस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है, और बी एच थ्री खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। नाउ जाते जाते अगेन एक ज्ञान की बात, और ज्ञान की बात में ये है कि जो आपका बी एच थ्री है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, यू ऑलरेडी नो, 13 ग्रुप वाले जो भी होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, एंड कि जो इसका वर्किंग है वो सिमिलर टू हेच टू इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम या प्लेटिनम, इसके जैसा ही वर्किंग था, बट ओनली डिफरेंस इज कि ये आपका एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता था, ये आपका एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता था, हेच टू एन आई या पी डी या पी टी, जबकि जो आपका बी एच थ्री टी एच एफ है वो एसिड को तो रिड्यूस कर देता है और एसिड हैलाइड को नहीं कर पाता है। तो ओनली डिफरेंस इज कि ये बी एच थ्री टी एच एफ से रिड्यूस नहीं हो पाते हैं, जबकि हेच टू इन प्रेजेंस ऑफ पी डी इससे हो जाएंगे, जबकि ये हेच टू इन प्रेजेंस ऑफ पी डी इनसे नहीं हो पाते हैं, बट बी एच थ्री टी एच एफ अगर हम लेंगे तो इनसे हो जाएंगे। तो ओनली डिफरेंस यही है, बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जिस पे ये काम करता है उस पे ये भी काम करता है, ओनली डिफरेंस इज कि ये एसिड हैलाइड को नहीं कर पाता है जबकि एच टू पी डी कर देता है, और ये एसिड को नहीं कर पाता है एच टू पी डी जबकि बी एच थ्री एसिड को कर देते हैं।
हेलो बच्चों, कैसे हो? आज की इस वीडियो लेक्चर में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी की जितनी भी रिडक्शन रिएक्शन है सबका एनालिसिस किया, और वो सारे की सारी रिडक्शन रिएक्शन को मैं इस वीडियो लेक्चर में करने जा रहा हूँ एक्सप्लेन, वो भी मेरे सिंपल ट्रिक से। तो देखो, जैसे खाने में अगर अचार मिल जाए तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको रफ़ी सर का ट्रिक मिल जाए तो आपको ऑर्गेनिक का मज़ा आएगा। तो अगर ये पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप रखिए ऑन अपना नोटिफिकेशन, ताकि रफ़ी सर को मिलता रहे मोटिवेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखो, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे उसके लिए हमने बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में वर्क किया है। वो क्या है कि मैं एक तरफ फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूँ कि पूरी एनसीईआरटी की रिडक्शन रिएक्शन में किस किस फंक्शनल ग्रुप पे कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया है। मेरी बात समझ में आई? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया है उसको हमने क्लियरली लिखा है। एक तरफ में फंक्शनल ग्रुप, एक एक फंक्शनल ग्रुप को मैंने पकड़ा और उसका एनालिसिस किया। तो इधर फंक्शनल ग्रुप लिखा, इधर कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट उस पर यूज किए गए, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी देने जा रहा हूँ कि आपको इसमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1, एल्काइल हैलाइड। क्या? एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड पे दो रिड्यूसिंग एजेंट अभी तक यूज किए गए एनसीईआरटी में, एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोला सकते हैं, ला। ओके, और दूसरा जिंक इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, जेड एन एच सी एल, या इसको और कैसे लिख के दे सकता है, जेड एन स्लैश हेच प्लस, ऐसे भी दे सकता है। ओके, डैट मीन्स जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम होना चाहिए। तो ये दो रिड्यूसिंग एजेंट एल्काइल हैलाइड पे यूज किए गए। अब देखो, इन दोनों में किसी को अगर कुछ नहीं भी मालूम है तो वो सिंपल अपने लॉजिकल थिंकिंग से इस क्वेश्चन को कर सकता है। अगर कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है तो लिथियम तो इसके साथ आएगा नहीं, कार्बन के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर है, राइट? तो मेटल इसके साथ अटैच करने का कोई मतलब नहीं बनता है, एल्युमिनियम को अटैच करने का मतलब नहीं बनता है। वैसे भी क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पर माइनस आएगा, तो इस पर प्लस, लिथियम प्लस है, एल्युमिनियम प्लस है, रिपेल हो जाएंगे, तो आएगा कौन, हाइड्रोजन। तो एक्स हटा के क्या कर देना है, हाइड्रोजन। डैट मीन्स ये वन ऑफ द मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या हो गया, एल्केन भी हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी जेड एन, तो यहाँ पे एक्स की जगह आएगा नहीं, सी एल तो आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी हेलोजन है, तो आएगा कौन, हेच। तो सिंपल लॉजिकल थिंकिंग से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जब भी एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ला या इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिडिक मीडियम देखे तो आपको क्या बनाना है, एल्केन। डैट मीन्स जहाँ पे भी एक्स लगा हुआ है जिस कार्बन पे, उस कार्बन से एक्स हटा करके हेच लगा देना। फंडा क्लियर हो गया? एक्सप्लेनेशन, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सी एल लगा हो सकता है, बी आर लगा हो सकता है, या आयोडीन, कोई भी हैलोजन हो सकते हैं, फ्लोरीन जनरली नहीं लेते हैं। तो लाह जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए ये जो रिएक्शन होती है ये वाया SN2 होती है, और ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो बहुत ही परफेक्ट कंडीशन है SN2 होने के लिए। तो आपको क्या करना है, ये कार्बन और हैलोजन के बीच जो बॉन्ड बना है इसको हटा करके यहाँ पे हाइड्रोजन बनना है, तो बाकी को वैसे ही रहने देना है। तो ये 3 कार्बन और यहाँ पे कौन आ चुका है आपका, हाइड्रोजन। डैट मीन्स सिंपल ये प्रोपेन बन गया बॉन्ड लाइन नोटेशन से, राइट? सिमिलरली अगर 2 डिग्री हो तो भी आपको ला से वही कराना है, ये कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड हटा करके हाइड्रोजन, तो ये 4 और ये तो सिंपल आपका क्या बन गया, ये नॉर्मल ब्यूटेन, एल्केन बन गया, राइट? सिमिलरली जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम हो तो अगेन कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड हटा करके आपको हाइड्रोजन, तो 1, 2, 3, 4 है, तो ये भी सिंपल आपका क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। ये हाइड्रोजन इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सब हाइड्रोजन आपका इनसे आ रहा है, इसलिए मैं दिखाया हूँ। तो सिंपल आपका एल्केन बन जाएगा। तो क्लियर हो गया कि एल्काइल हैलाइड पे दो रिड्यूसिंग एजेंट पूरी एनसीईआरटी में यूज है, एक ला और एक जेड एन एच सी एल। तो जनरली ला कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे यूज नहीं करना क्योंकि वहाँ पे एल्कीन बनता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री SN2 मैकेनिज्म होता है और आपको एल्केन मिलेगा, वैसे ही जेड एन एच सी एल अगर होगा तो आपको एल्केन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप नंबर 2, दैट इज आर ओ एच, आइदर अल्कोहल या फिनॉल।
तो उस पर कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए गए, एक तो जिंक एनसीईआरटी में और एक रेड फॉस्फोरस एंड एचआई, ये दो मैंने देखा। ओके, तो अगर फिनॉल की रिएक्शन, ये आपका हो गया फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन अगर आप जिंक डस्ट से कराओगे, डैट मीन्स जिंक को पाउडर फॉर्म में लेना है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा, राइट। तो ऑक्सीजन खींचते ही आपको क्या मिलने वाला है, बेंजीन, जिसको मैं प्यार से बोलूँगा बहनजी। तो एक तरह से आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिल गया, तो यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोकार्बन ही मिल रहा है। सिमिलरली अल्कोहल पे रेड फॉस्फोरस एंड एचआई की रिएक्शन अगर कराएंगे, अल्कोहल पे रेड फॉस्फोरस और एचआई की रिएक्शन कराएंगे, तो कुछ नहीं करना आपको, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देना और इसको भी हेच देना और इसको भी हेच देना। वैसे इसका मैंने पूरा ट्रिक आपको अपने रिड्यूसिंग वाले में दे रखा हूँ, तो आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो, सिंपल आपको नॉर्मल ब्यूटेन मिल जाएगा। तो बात समझ में आ गई, अल्कोहल एंड फिनॉल पे कौन कौन यूज किया गया है, फिनॉल पे जिंक को यूज किया गया है तो आपको बेंजीन मिलेगा, और अल्कोहल पे रेड फॉस्फोरस अगर एचआई को यूज करेंगे तो आपको क्या करना है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देना और दोनों को हेच देना, राइट। बाय प्रोडक्ट में आपको क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हो वाटर, तो वो तो बात की बात है, हमें मेजर प्रोडक्ट या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मतलब होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे फंक्शनल ग्रुप, डैट इज एल्डिहाइड या अगर कीटोन होगा तो। तो एल्डिहाइड या कीटोन पे ये पांच रिड्यूसिंग एजेंट हमने देखे हैं एनसीईआरटी में यूज होते हुए, एक H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम, राइट। दूसरा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तीसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड, चौथा ZnHgHCl डेट इज क्लीमेंसन रिडक्शन, और पांचवा NH2NH2OH- डेट इज वुल्फ किशनर रिडक्शन। तो वैसे तो मैं ये सारे का ट्रिक आपको दे रखा हूँ रिड्यूसिंग वाले में, बट वी आर डिस्कसिंग हेयर कि सारे रिडक्शन को एक जगह पे, इसके लिए मैं फिर से इसको ले रहा हूँ। तो ध्यान से देखो आपको क्या करना है, तो 1, 2, 3 अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया आइदर एल्डिहाइड या कीटोन पे, तो आपको क्या करना है, वेरी सिंपल, इन तीनों में 1, 2, 3 इसलिए मैंने लिखा, इन तीनों में क्या करना है आपको, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है जो सी और ऑक्सीजन के बीच है, और इसको एक हेच देना है और इसको भी एक हेच देना है, दोनों को इक्वल हेच देना है। तो ध्यान से देखो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, आराम से देखो आप, CH3CH2, इस कारण पे क्या हुआ, ध्यान से देखो, एक हेच था, एक और हेच उसको मिला, और उधर ऑक्सीजन है, तो इधर ऑक्सीजन उसके साथ हेच, तो ओएच हो गया, इधर हेच, तो आपको क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया। आप कह सकते हो कि इस केस में आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया। सिमिलरली इस केस में भी कीटोन होगा तो आपको क्या करना है, ये वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसको भी हेच और इसको भी हेच, तो आप ध्यान से देखो तो क्या हुआ, CH3 राइट, सी इस पे ओ हेच हो गया, इसके पास एक हेच आया और CH3, तो आपको क्या मिल गया, 2 डिग्री अल्कोहल। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी आ जाएगा, तो एल्डिहाइड लेंगे तो 1 डिग्री, कीटोन लेंगे तो 2 डिग्री, आइदर आप H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम पैलेडियम लो, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लो, या सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब अगर लास्ट टू जो है 4, 5 राइट, तो इसको क्लीमेंसन रिडक्शन में बोलता हूँ, इसको वुल्फ किशनर, तो ये अगर एल्डिहाइड पे अगर हमने यूज किया तो इस केस में क्या करना है आपको, ये पूरा ही गायब कर देना है, ये दोनों सिग्मा और पाई दोनों गायब कर देना है, और क्या देना है, HH, तो ये बॉन्ड ब्रेक किया आपने अगर तो इसकी जगह HH, फिर ये बॉन्ड ब्रेक किया अगर तो फिर HH, तो आप ध्यान से देखो क्या मिल गया आपको प्रोडक्ट, CH3CH2 इस कारण पे H था और 2 बॉन्ड ब्रेक हुआ है, राइट, तो आपको 2 H मिल जाएंगे। तो डेट मीन्स आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, सिंपल एल्केन मिल रहा है, एल्केन बनाने का एक मेथड हो गया। सिमिलरली अगर कीटोन पे करेंगे तो वही सेम बात, ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दो, 2 बॉन्ड ब्रेक किया तो इसको 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, और ऑक्सीजन को भी आपको 2 हाइड्रोजन देना जो वाटर फॉर्म में बाहर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, CH3CH2CH3, अगेन आपको क्या मिल गया, एल्केन। तो वेरी क्लियर होना चाहिए आपको कि एल्डिहाइड या कीटोन में ये सब रिड्यूसिंग एजेंट यूज में, ये फर्स्ट 3 वाले से अल्कोहल मिलता है और लास्ट 2 वाले से एल्केन मिलता है, आपके सामने है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे
ला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज किया गया है, B2H6 यूज किया गया है और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में बताया गया है कि ये रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए मैंने क्रॉस किया है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को इजीली रिड्यूस नहीं करता है बट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और B2H6 कर सकता है। और कैसा रिएक्शन होगा या क्या प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ मैं समझा रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो अगर आप लाह यूज करो या B2H6 दोनों में सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको क्या करना है पहले ये सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, कार्बन और ऑक्सीजन वाला सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना है और इसको भी हेच देना है और इसको भी हेच, क्योंकि रिड्यूसिंग हो रहा है राइट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बना ध्यान से देखो, CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ हेच पहले यहाँ तक बन के आ जाएगा। फिर फर्दर आपको क्या करना है, अब ये जो सिग्मा और पाई दोनों बन रखा है तो उसमें से पाई को ब्रेक कर देना और इसको हेच और इसको भी हेच देना है। तो आपको क्या मिल गया ध्यान से देखो, CH3 CH2 इस कारण पे दो हेच हो गए और एक OH, तो डैट मीन्स आपको क्या मिल जाएगा अल्कोहल। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी हो जाएंगे। तो कहने का वेरी सिंपल सा मेथड है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या B2H6 देगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पहले कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड ब्रेक करके HS दो, फिर उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ही सिर्फ ब्रेक करो, दो बॉन्ड बना हुआ है तो पाई बॉन्ड ब्रेक करो और HS दो, आपको अल्कोहल मिल जाएगा बट सोडियम बोरोहाइड्राइड से कोई रिएक्शन नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप डेट इज एस्टर, तो एस्टर पे H2PD यूज किया गया है और डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड राइट, इसको इस टाइप से भी लिख सकता है या डाइबल हेच करके भी लिख सकता है और B2H6 से ये अगेन रिएक्शन नहीं होती है। तो एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि B2H6 एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता है और ये दोनों करता है, और कैसे करेंगे तो ध्यान से देखो, वेरी सिंपल, जब H2PD आप यूज करेंगे तो आपको क्या करना है, ये वाला पहले बॉन्ड को हटा देना है राइट, और इसको हेच और इसको भी हेच देना है। तो ध्यान से देखो क्या हुआ, CH3 सी डबल बॉन्ड OH पहले अल्डिहाइड पे आ गए, और फिर फर्दर आपको ये करना है क्या, इसमें का सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है आपको, पाई, और इसको भी हेच देना और इसको भी हेच, तो क्या मिलेगा ध्यान से देखो, CH3 CH2 OH 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो अगर आपने H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD यूज किया एस्टर पे तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, बट अगर एस्टर पे अगर आपने डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड डाइबल हेच करके भी लिख देगा तो यहाँ पे इसका हेच आपको ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे हेच और यहाँ पे हेच, बस इतने पे रिएक्शन को छोड़ देना है क्योंकि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिएक्शन को आपको अल्डिहाइड पे ही छोड़ देना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये अल्डिहाइड के बाद फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि अगर अल्डिहाइड पे रोकना है तो आप डाइबल हेच यूज कर सकते हो क्योंकि ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों हुआ, उसके पीछे भी लॉजिक है, आइसोब्यूटाइल दो बल्कि ग्रुप है और एल्युमिनियम, तो यू नो एल्युमिनियम पे एक आइसोब्यूटाइल है, दूसरा आइसोब्यूटाइल है और तीसरा हेच इससे अटैच है, तो ये बल्कि ग्रुप के बीच ये फंसा हुआ है तो इसलिए एक ही हेच देगा, तो रिएक्शन को आप अल्डिहाइड पे रोक देंगे। नाउ नेक्स्ट इज एसिड हैलाइड, अगर एसिड हैलाइड पे देखा जाए तो H2PD इन प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट ये यूज किया गया राइट। B2H6 के बारे में इंफॉर्मेशन है कि B2H6 इससे रिएक्ट नहीं करता है बट ये कर जाएगा, और इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ध्यान से देखो, यहाँ पे H2PD इन प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट है, यहाँ पे सिर्फ H2PD है राइट। तो ध्यान से देखो, अगर आपने H2PD इन प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट लिया तो एक्चुअली में हुआ क्या, जो पैलेडियम की सरफेस थी उसको आपने बैरियम सल्फेट के पाउडर से कवर कर दिया, तो जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। तो ये रिएक्शन में सिर्फ आपको क्या करना है, कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना और इसको हेच देना है, तो डैट मीन्स आपको अल्डिहाइड पे ये रिएक्शन को रोक देना है, आपको ये रिएक्शन अल्डिहाइड पे रोक देना है राइट। इस रिड्यूसिंग एजेंट का नाम है रोजनमंड रिडक्शन राइट, तो नेम भी ध्यान में रखना है। नाउ B2H6 लिए तो कोई रिएक्शन नहीं होगी राइट, ये इन्फॉर्मेशन है। और अगर आपने बैरियम सल्फेट नहीं लिया सिर्फ H2PD लिया तो क्या होगा, पहले ये बॉन्ड को ब्रेक करना है और ब्रेक करके इसको हेच और हेच दिया तो आपको क्या मिला, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ हेच, और ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकेंगे, फिर इसका पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इसको हेच तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्चुअली में अल्कोहल मिल जाएगा आपको 1 डिग्री।
तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर H2PD इन प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट हो गया तो फिर एल्डिहाइड पर रिएक्शन रुक जाएगी, अदरवाइज अल्कोहल पर रुकेगी और B2H6 एसिड हैलाइड का कुछ नहीं कर पाता है। नाउ नेक्स्ट, अगर साइनाइड होगा तो रिएक्शन कैसे होगी? तो देखो साइनाइड पे ये 5 रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए गए, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड बाद में फिर उसको एसिडिफाइड किया गया, और फिर डाइबल हेच इन प्रेजेंस ऑफ वाटर राइट, या फिर H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम और प्लेटिनम, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ HG डेट मीन्स अमलगम और इथाइल अल्कोहल और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये 5 रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए गए। तो ध्यान से देखो, अगर आपने साइनाइड पे आइदर 1 या 2 यूज किया ये दोनों, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट केस में आपको सिर्फ एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना और इसको हेच और इसको हेच, समय में वही कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो CH3CH डबल बॉन्ड NH, ये आपको क्या मिल गया राइट। उसके बाद जो ये H3O+ लिया गया डेट मीन्स हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट क्या होता था, कार्बन नाइट्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इसको OH दो, इसको H दो, एक बॉन्ड ब्रेक किया तो दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया तो इसको OH और इसको H, तो आपको ध्यान से देखो आपको इससे क्या मिल गया NH3 बाय प्रोडक्ट राइट, NH3 अमोनिया मिल गया, और इसका क्या हुआ वो ध्यान से देखो, तो CH3CH पे 2 OH है, आपको बता रखा हूँ कार्बन पे जब भी एक से ज़्यादा OH हो एक ही कार्बन पे तो एक पूरा OH और एक H वाटर के फॉर्म में बाहर कर दो, तो आपको यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, CH3C डबल बॉन्ड OH, दैट मीन्स ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड भी हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड H+ एसिडिक मीडियम में करा रहे हो तो एल्डिहाइड मिलेगा, या डाइबल हेच ले रहे हैं तो भी आपको एल्डिहाइड पर रिएक्शन को रोकनी है। डाइबल हेच के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है, तो इसलिए अगर आपने ये वाले में डाइबल हेच लिया, इसलिए 2 लिखा मैंने, सबका नंबरिंग कर दिया, डाइबल हेच लिया तो इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, और साइनाइड अभी आप देखना एल्डिहाइड में गया हुआ है तो क्या हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, डेट मीन्स डबल एच डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी केसेस में अगर आप ध्यान से देखो 3, 4, 5, तो यहाँ मैंने लिया 3, 4, 5, अगर साइनाइड है तो इन सब केस में आपको क्या करना है, ये वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है और हेच हेच देना है, और ये वाले पाई बॉन्ड को भी ब्रेक करना है और हेच हेच देना, मतलब दोनों ही पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, तो आपको क्या मिलेगा CH3CH2, ध्यान से देखो, और इस कार्बन पे फिर से CH2 और उधर NH2, मतलब 1 डिग्री अमाइंस मिल जाएगा आपको। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर साइनाइड की रिएक्शन H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम प्लेटिनम या सोडियम अमलगम और अल्कोहल के प्रेजेंस में या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गए तो आपको 1 डिग्री एमीन मिलने वाला है, बट डाइवल हेच या SnCl2 ये लोगे तो आपको एल्डिहाइड, डेट मीन्स इसमें पार्शियल रिडक्शन हुआ फिर हाइड्रोलिसिस हुआ, हम कह सकते हैं कि ये वाले दोनों में आपका क्या हो रहा है पार्शियल रिडक्शन और फिर हाइड्रोलिसिस किया आपने तो आपको एल्डिहाइड मिला, जबकि इसमें एक तरह से कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, नाइट्रो ग्रुप पे कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए गए हैं, तो H2 इन प्रेजेंस ऑफ अगेन प्लेटिनम निकेल या पैलेडियम, SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यहाँ पे देख सकते हो SN 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Fe 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और B2H6, तो B2H6 नाइट्रो ग्रुप को नहीं करता है, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ध्यान में रखना है, नाइट्रो ग्रुप को B2H6 रिड्यूस नहीं करेगा, बाकी ये तीनों आपके करेंगे और आपको क्या मिलने वाला है NO2 से NH2, तो यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने नाइट्रो बेंजीन लिया 1, 2, 3, मतलब इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो ये जो दोनों ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं ये इसकी जगह क्या कर देना है 2 हाइड्रोजन कर देना है, तो N और 2 हाइड्रोजन डेट मीन्स आपको एनिलीन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देख सकते हो ये NO2 है, 1, 2, 3 में से कोई भी यूज करोगे तो क्या मिल जाएगा CH3CH2NH2, यहाँ पे भी आपको 1 डिग्री अमाइन मिलने वाला है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि नाइट्रो ग्रुप को अगर रिड्यूस करना है तो H2
इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम यूज कर सकते हो या SnHCl या FeHCl आप यूज कर सकते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि खुद Sn कहाँ चला जाता है, तो ये प्लस फोर में चला जाता है, जीरो से फोर में चले जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, अमाइड पे एक रिएक्शन कराई गई है RCONH2। अमाइड ग्रुप पे भी एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया, डैट इज ला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और इस केस में आपको करना क्या है, तो ये वाले बॉन्ड को, दोनों जो सिग्मा और पाई सी डबल बॉन्ड हो उसको गायब करना है, NH2 वाले को गायब नहीं करना है, इसको गायब कर देना है, मतलब H आपको दे देना है, H दे देना है। तो आप ध्यान से देखो क्या मिल गया, CH3 CH2 CH2 NH2। तो अगेन यहाँ पे आपको 1 डिग्री अमाइन मिलने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर अमाइड की रिएक्शन लास्ट से कराओगे तो 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। सी डबल बॉन्डों को गायब करके हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ले आना है। नाउ नेक्स्ट, एल्कीन पे भी रिएक्शन कराई गई है, सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन पे। तो एल्कीन के लिए यूज किया गया H2 इन प्रेजेंस ऑफ अगेन निकेल प्लेटिनम या प्लेटियम, राइट। जैसे यहाँ पे लिया H2PT, तो आपको करना क्या है कि इसके दोनों हाइड्रोजन को सेम साइड से अटैच करना है, एक ही डायरेक्शन से अटैच होगा, सेम साइड से, राइट। तो आपको क्या मिलने वाला, आपको मालूम ही है, ये सी, ये एच, ये CH3, इधर से भी एच इस पर आ गया, वो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया हमने, बाकी जो चीज़ जैसे हैं वैसे। तो एक्चुअली में कहने का मतलब ये है कि ये एक सिन एडिशन है, और सिन एडिशन होने की वजह से अगर ये कायरल कार्बन बनता तो फिर आपको डायस्टोमर बनाना है या फिर मीजोमर बनाना है या फिर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, इसके बारे में भी मैं ट्रिक दे रखा हूँ। तो यहाँ पे जस्ट ये पॉइंट है कि सिन एडिशन करना है और आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एल्केन। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन वाया एल्कीन, और जो एडिशन होगा वो सेम साइड से होगा, सिन एडिशन इसको बोलेंगे। नाउ लास्ट, अगर एल्काइन होगा तो एल्काइन पे, डैट मीन्स सी ट्रिपल बॉन्ड सी पे H2PDC यूज किया गया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और H2PD ये यूज कर सकते हैं। ये अगर यूज करोगे तो सिन एडिशन होगा, अगर ये यूज करेंगे तो एंटी एडिशन होगा, ओके। और ये यूज करेंगे तो कंप्लीट रिडक्शन होगा। इन दोनों में क्या होने वाला है, पार्शियल, डैट मीन्स रिएक्शन आपके एल्कीन पे रुक जाएगी। तो अगेन एक्सप्लेनेशन में मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमने लिया ट्रिपल बॉन्ड H2PDC, सी मतलब कार्बन के डस्ट, राइट, या चारकोल भी बोल सकते हो, पाउडर फॉर्म है। इससे अगेन क्या हो गया कि प्लेटिनम की रिएक्टिविटी को कम कर दिया, तो आपको सिर्फ एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, और इसको हेच और इसको हेच, और दोनों को सेम साइड से देना है क्योंकि ये सिन एडिशन है। तो आप कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, सी डबल बॉन्ड सी, दोनों हेच सेम साइड से होना चाहिए, तो ये सेम साइड से देखा और दोनों CH3 से, मतलब आपको सिस एल्कीन मिलेगा, सिस वाला। वहीं पे अगर ट्रांस चाहिए तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सेम प्रोसीजर है, ब्रेक कर करके एक हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन इधर से, अपोजिट साइड से, इसलिए इस केस में आपको जो मिलने वाला है वो ट्रांस एल्कीन मिलने वाला है, ध्यान दें, ट्रांस मिलने वाला है। तो सिस चाहिए तो H2PDC यूज करना है, ट्रांस चाहिए तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि रिएक्शन को एल्कीन पे ही रोक दिया हमने, डैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में सिर्फ कन्वर्ट हो गया, रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी, इसलिए ये दोनों एग्जांपल है किसका, पार्शियल रिडक्शन का। बट अगर किसी ने सिर्फ ये कार्बन चार को नहीं लिया, तो सिर्फ H2PD लिया, तो रिएक्शन फिर आपका एल्कीन पे नहीं रुकेगी, तो पहले क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बना एल्कीन, और फिर फर्दर रिएक्शन आगे कन्वर्ट हो जाएगी एल्केन में, तो आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, एल्केन। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कार्बन चारकोल फॉर्म में डालने से प्लेटिनम का जो भी एक्टिव सरफेस था वो कवर हो गया, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, तो रिएक्शन आप एल्कीन पे रोक सकते हो, अदरवाइज रिएक्शन एल्कीन पे नहीं रुकेगी, डायरेक्ट एल्केन पे रुकेगी। तो आई होप ये पूरा मैंने जितना भी रिडक्शन रिएक्शन था सबको एक जगह पे कवर किया है। आप भी इस वीडियो लेक्चर को प्रॉपरली अच्छे से देख कर करके एक अच्छा सा नोट बना लो, इसके बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि ये जितने भी मैंने रिएक्शन दिया है ये सब मेंस या नीट में पूछे गए हैं और पूछे ही जा रहे हैं, आपको ये बिल्कुल अचार की तरह काम करेगा। अच्छे से कर लिए तो आपको दो स्टेप आगे मालूम रहेगा।